इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5644 किलो जूल हीट इवॉल्व हो रही है और कह रहे हैं कि हीट ऑफ कंबशन वो 1 मोल के लिए हो रही है, वो 1411 है. तो दिस विल गिव अस द 4 मोल डेटा. अब इथाइलीन है, इसका कंबशन किया तो प्रोडक्ट बने, कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया तो CO2H2O. अब इसके अंदर बैलेंस कर लिया ऐसे CHO सीक्वेंस में बैलेंस कर लीजिए, है ना, तो शॉर्ट शॉर्ट में वन शॉर्ट में हो जाता है. ऐसे याद रख लीजिए एल्डिहाइड सीक्वेंस में C फिर H और फाइनली O. O का बैलेंसिंग इंडिपेंडेंट तो डिस्टर्ब करेगा नहीं. तो अब आप देखिए यूनिटरी मेथड से 1 मोल इथाइलीन के लिए जो है वो रिक्वायर्ड O2 है वो 3 है, तो 4 मोल C2H4 के लिए हो गई 10^4 और 12 मोल O2 और NTPSTP पे ये होती है 22.4 लीटर पर मोल. तो यहां हो जाएगा 12 × 22.4 लीटर. तो जस्ट जो है वो इधर एनर्जी का क्वेश्चन है, इधर ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मिला के दिस विल गिव अस द करेक्ट आंसर.